क्रिकेट के अंदर कुछ चीजें कभी चेंज नहीं हो सकती, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान की हाइप कभी कम नहीं हो सकती, उस तरह विराट कोहली और गौतम गंभीर की लड़ाई भी कभी खत्म नहीं हो सकती। अभी कुछ दिन पहले गौतम गंभीर ने बैंगलोर के अंदर आरसीबी को हराने के बाद पूरे स्टेडियम को उंगली दिखा के चुप करवाया था, लेकिन आज क्या हुआ, जब आरसीबी विराट कोहली की टीम ने लखनऊ को उनके घर के अंदर जाके मैच हराया, जब विराट कोहली कैचेस पकड़ रहे थे तो उन्होंने भी मुंह के ऊपर उंगली रख के पूरे स्टेडियम को चुप करवाया। यहां से मामला शुरू होता है, लड़ाई की वजह क्या बनती मैं आपको बताता हूं। ऐसा फड्डा हुआ तो हुआ क्यों, आखिर क्या वजह हो सकती है कि दो दफा के वर्ल्ड कप के चैंपियन गौतम गंभीर और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर विराट कोहली एक दूसरे के साथ इतना, जिसको कहते हैं ना, क्यों एक दूसरे के साथ फ्रस्ट्रेटेड हुए, क्यों लड़ रहे हैं। आपको याद होगा तकरीबन 12 या 10 साल पहले चले जाए, इनकी पहले भी लड़ाई हुई थी, जब कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन थे गौतम गंभीर, तब विराट कोहली के साथ वो तब भी लड़े थे। इनकी लड़ाई कब से चलती आ रही है और अक्सर हमने सुना भी हुआ है गौतम गंभीर के स्टेटमेंट रिलेटेड टू विराट कोहली। लेकिन आज मामला क्या हुआ, आप सब जानते हैं कि आज जिसको कहते हैं ना आरसीबी का एग्रेशन अलग था, आज विराट कोहली का एग्रेशन अलग था, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच था और विराट कोहली को पता था कि एग्रेशन दिखाएंगे तभी मैच जीतेगा, वो वही कर रहे थे, वो एग्रेशन फील्ड के ऊपर दिखा रहे थे। लेकिन मैच के बाद क्या होता है, नवीनुल हक विराट कोहली से कुछ कहते हैं, अब हमें टीवी में तो पता नहीं चला कि वो क्या ऐसी बात कर रहे थे, आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ कमेंट्री सुन रहे थे हम लोग, लेकिन वो क्या बोलते हैं वो विराट कोहली जानते हैं, वहां पे जो प्लेयर्स खड़े होते हैं वो जानते हैं, लेकिन जो उनके एक्शन थे ना, उन्होंने विराट कोहली के हाथ को झटका दिया, जिसकी वजह से विराट कोहली ने उनको ऐसे करके देखा भी था। और नवीनुल हक की आदत हमें पता है, श्रीलंकन की लीग चल रही थी उसके अंदर पाकिस्तानी प्लेयर के साथ भी आमिर के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया था, शायद अफरीदी बीच में आए थे, उन्होंने समझाया था नवीनुल को। इसी के साथ उसके बाद थोड़ी देर बाद काइल मेयर्स जो कि वेस्टइंडीज के प्लेयर है, वो विराट कोहली के साथ भी बात कर रहे होते हैं, वो क्या बात कर रहे थे वो भी नहीं पता हमें। विराट कोहली जिसको कहते हैं ना पूरे मैच के अंदर पूरे टाइम कैमरे के ऊपर रहे थे, लेकिन क्या होता है पीछे से गौतम गंभीर आते हैं और काइल मेयर्स को लेके चले जाते हैं, विराट कोहली उस टाइम चुपचाप आगे जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब गौतम गंभीर के ऊपर कैमरा होता है वो मेयर्स के साथ लेके उसको आगे जा रहे, तो पीछे से विराट कोहली कोई आवाज निकालता है जिसके बेस के ऊपर गौतम गंभीर उसको जवाब देता है और फिर इनकी लड़ाई शुरू होती है। फिर ऐसा होता है कि दोनों रुकते नहीं है, सारे प्लेयर्स आ जाते हैं। और अगेन मैं बात करूं, ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये हीटेड कन्वर्सेशन थी। अगर आप गौर से देखें तो विराट कोहली उनको आके कुछ समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि क्या वजह है, लेकिन गौतम गंभीर जिसको कहते हैं ना थोड़े गर्म गुस्से वाले हुए हुए, और विराट कोहली का भी मैंने जिसको कहते हैं ना गुस्सा बड़े अरसे बाद ऐसा किस्म का देखा है। लेकिन मैं समझता हूं कि दोनों बड़े प्लेयर है, ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। देखिए मैं समझता हूं कि जो ड्यूरिंग मैच हो रहा है वो समझ में आता है, लेकिन मैच के बाद ऐसी चीजें होना मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। और गौतम गंभीर को भी सोचना चाहिए कि जब वो बैंगलोर के अंदर गए थे तो उन्होंने क्यों ये सब कुछ किया, जब उन्होंने किया जैसे को तैसे, फिर विराट कोहली भी तो यहां पे आके करेंगे ना। विराट कोहली ने क्या किया, विराट कोहली ने कुछ नहीं किया, मैं तो समझता हूं विराट कोहली ने सिर्फ और सिर्फ एग्रेशन दिखाया है और वो मैच जो जीते हैं उन्होंने दिखाना बनता भी है। लेकिन गौतम गंभीर का गुस्से होना, प्लेयर्स को अपने विराट कोहली से दूर करना, ये कोई समझ से बाहर चीज थी और ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। लेकिन जो भी हुआ है क्राउड को बड़ा मजा आया, क्राउड ने बड़ा एंजॉय किया और अमित मिश्रा ने और केएल राहुल ने मैं समझता हूं कि बड़ा यूजफुल रोल अदा यहां पे किया, क्योंकि ये मामला संगीन हो सकता था। अब मैं ये चाहूंगा कि बीसीसीआई इसके ऊपर क्या करेगा, बीसीसीआई क्या एक्शन लेगा, क्योंकि इससे एक इमेज पे तो इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये आईपीएल अब आईपीएल नहीं रहा, ये आईपीएल जिसको कहते हैं ना ये सच्ची में एक बहुत बड़ी लीग बन गई, जैसे हम फुटबॉल में देखते हैं ना प्लेयर्स एक दूसरे के लिए ऐसे जिसको कहते हैं ना लड़ रहे थे जैसे कि वर्ल्ड कप चल रहा हो, इसी किस्म का काम शुरू हो गया आईपीएल के अंदर। अब देखना यह कि आगे तक कहां तक कहानी जाती है, क्योंकि पिछले 10 सालों से तो मैं इनकी लड़ाई देखता आ रहा हूं, लेकिन ये और आगे कितनी तक जाएगी ये मैंने देखना जरूर है। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और आपको अगर पता है कि ऐसी क्या बात हुई थी, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, जो मैं देख रहा हूँ टीवी के ऊपर देख रहा हूँ वीडियोस के अंदर देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा कौन से वर्ड एक्सचेंज हो रहे हैं, आपको पता तो आप जरूर कमेंट्स के अंदर बताएं। फिलहाल मैं समझता हूँ कि दोनों बड़े प्लेयर्स हैं, दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और गौतम गंभीर जिसको कहते हैं ना सीनियर है, उनको ऐसा बिल्कुल बिहेव नहीं करना चाहिए था, उनको जिसको कहते हैं ना रिस्पेक्ट देनी होगी, वो कोच है, कोच बनके रहे, ऐसे जिसको कहते हैं ना एग्रेशन दिखाना, खाड़बाजी करना प्लेयर्स के साथ, ये उनको शोभा नहीं देता था। फिलहाल के लिए ज्यादा दीजिए, इंशाल्लाह थोड़ी बहुत वारी दे, तब तक के लिए।